पुतिन सेना से टक्कर के लिए यूक्रेन को जल्द से जल्द टैंक और हथियार चाहिए। पश्चिमी देश जेलेंस्की को टैंक देने भी वाले हैं, लेकिन जब तक ये टैंक आएंगे यूक्रेन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पुतिन के परमाणु विध्वंस को सबसे नया और सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, वो जानकारी जिससे कीव से लेकर वॉशिंगटन तक खौफ हाई है। वॉर जोन में नई दहशत इसलिए फैल गई है क्योंकि पुतिन मार्च से पहले ही एटम बम फोड़कर युद्ध का अंत करने जा रहे हैं। वॉर जोन में नए फियर की एंट्री हो चुकी है। ये वो डर है जिससे यूक्रेन और नेटो टेंशन में है। ये दहशत परमाणु प्रहार की, ये डर एटमी धमाके का है। ये खौफ महाविनाश का है। आपने पुतिन का जो प्लान है उसकी आहट से कीव, लंदन और वॉशिंगटन में खौफ हाई है। पुतिन बहुत जल्द एटमी बटन दबाने वाले हैं। पुतिन हर रोज पहले से ज्यादा भीषण प्रहार कर रहे हैं। यूक्रेन बर्बाद होता जा रहा है। जंग के लिए हथियार नहीं है, इसलिए जेलेंस्की सेना परास्त होती जा रही है। जेलेंस्की नेटो देशों से टैंक समेत घातक हथियारों के इंतजार में है। यूक्रेनी फोर्स इन्हीं वेपन से काउंटर अटैक करेगी, लेकिन उससे पहले ही पुतिन ने बड़ा बारूदी खेल कर दिया है। यूक्रेन को टैंक मिलने से पहले युद्ध खत्म हो जाएगा। सिर्फ युद्ध ही नहीं, यूक्रेन खत्म हो जाएगा। पुतिन जीत जाएंगे, जेलेंस्की हार जाएंगे। पश्चिम के हथियार वॉर जोन में पहुंचेंगे, उससे पहले यूक्रेन में हाहाकार मच चुका होगा। पुतिन पलटन महाविध्वंस का बटन दबा चुकी होगी। मार्च से पहले यूक्रेन को ना तो टैंक मिल पाएंगे ना ही घातक हथियार। पुतिन एटम बम फोड़कर मार्च से पहले ही यूक्रेन विजय का ऐलान कर देंगे। युद्ध में जेलेंस्की की हार इसलिए तय नजर आ रही है क्योंकि यूक्रेन को उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर पर्याप्त संख्या में हथियार भी नहीं मिल पा रहे हैं। युद्ध में रूस को चैलेंज करने के लिए जेलेंस्की सेना को कम से कम 300 घातक टैंक चाहिए, लेकिन उसे नेटो देशों से सिर्फ 81 टैंक ही मिले हैं। जो मिल रहे हैं वो यूक्रेन बहुत देरी से पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को 14 चैलेंजर टैंक दे रहा है। चैलेंजर टैंक मार्च के आखिर में वॉर जोन में पहुंचेंगे। जर्मनी भी यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक दे रहा है, ये मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में मिलेंगे। पोलैंड भी 14 लेपर्ड टैंक देने वाला है। पोलैंड का कहना है कि इसकी डिलीवरी में भी कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा, यानी ये भी मार्च से पहले नहीं पहुंच पाएगा। यही हाल कनाडा का भी है। कनाडा के लेपर्ड टैंक भी मार्च के आसपास ही पहुंचेंगे और पुर्तगाल से भी 4 लेपर्ड टैंक मार्च तक ही पहुंच पाएंगे। सबसे आखिर में पहुंचेंगी अमेरिकी अब्राम्स टैंक्स। अमेरिका 31 अब्राम्स टैंक्स भेजेगा, लेकिन बहुत देरी से। यानी ये हथियार इतनी देरी से पहुंचेंगे कि यूक्रेन युद्ध में इनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। मार्च से पहले ही पुतिन एटम बम दागकर यूक्रेन का संहार कर देंगे। ये ऐलान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुतिन के ऊपर अब रूस में ही परमाणु हमला करने का दबाव बढ़ रहा है। रूसी लोग और रशियन मीडिया पुतिन से न्यूक्लियर अटैक करने की मांग कर रहे हैं। रूसी पत्रकार की ये कमेंट्री ऐलान कर रही है कि रूस के अंदर ही पुतिन पर प्रेशर बहुत बढ़ गया है। आलोचना से बचने के लिए वो जल्द ही युद्ध खत्म कर सकते हैं। लड़ाई समाप्त करने के लिए पुतिन के पास एक ही ऑप्शन है, न्यूक्लियर अटैक। एक्सपर्ट की वॉर एनालिसिस के मुताबिक ये खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक यूक्रेन इस युद्ध में बहुत पीछे चला गया है और पश्चिमी देशों से मिलने वाले टैंक और हथियार जब तक यूक्रेन पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन मार्च से पहले ही महाविध्वंस कर डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, खार्किव, ओडेसा और सूमी को जीत चुके होंगे। यूक्रेन के इन इलाकों पर विजय पताका फहराने के साथ ही रूस युद्ध समाप्ति की घोषणा कर देगा।
पुतिन एटमी अल्टीमेटम देना बंद करें, ये ब्रिटिश मीडिया का ऐलान है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु धमाका करने वाले हैं। इसीलिए ब्रिटेन ने रूस को फिर से वार्निंग दी। पुतिन के परमाणु प्लान से अमेरिका और यूरोप में भी दहशत हाई है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि रूस नेटो के साथ डायरेक्ट वॉर लड़ने पर आमादा है, इसीलिए वो यूक्रेन युद्ध की आग को लगातार भड़काता जा रहा है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टैंक देने के फैसले का विरोध किया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और नेटो के इस कदम से परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। अमेरिका और नेटो की युद्धक चाल से पुतिन बहुत क्रोधित है। मॉस्को ने ऐलान कर दिया है कि इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। तो सवाल यही है कि क्या ये भयावह अध्याय परमाणु प्रहार से लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।